एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम जा रहे हैं रीमा के घर पे, वहाँ हमारा न्यू ईयर डिनर है। और उसकी शादी के बाद आज हम पहली बार उसके घर जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ आपको मिलेंगे। तो आगे का व्लॉग वहाँ जाकर कंटिन्यू करते हैं। यस जी, हम लोग वेट कर रहे हैं जैन के पापा का। वो गए हैं रीमा के लिए केक लेने के लिए न्यू ईयर का। और ये जैन मेरी गोदी में सो गया पूरा दिन से, आज सोया नहीं था। और ये शान साहब अपने काम में मसरूफ है और अम्मी बैठी है हमारे साथ। अंधेरा बहुत हो रहा है गाड़ी में, तो अब हम मीटिंग में, तो हमने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं फिर। यस, तो हम लोग आ गए रीमा के घर पे और रीमा लोगों के डॉगी पागल हो गए भौंक भौंक के। ये देखिए अम्मी हमारे साथ थी गाड़ी में और बच्चे सारे यहाँ आकर सदाई हुए। देखिए रीमा ने स्लाइड लगाई है बच्चों के लिए, हम नया साल मिल रहे हैं। हाँ जी, और ये इधर मिल रही है आपको नया साल। हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपका नया साल अच्छा शुरू होगा, अच्छा शुरू होगा। दावत खाने आए हैं रीमा के घर में शादी के बाद फर्स्ट टाइम। मैंने बताया कि आज हम लोग रीमा के घर पर आए हैं भाई, रीमा की शादी के बाद। और ये जैन साहब की भी आज तबीयत कुछ बेहतर है। शान से हेलो, सारी बच्चा पार्टी में है। और ये रीमा के घर के बिल्कुल सामने जो है चर्च है, चर्च में बहुत खूबसूरत लाइटिंग हुई है। और ये इनके डॉगी चुन्नी कर रहे हैं। और ये रीमा आ गई है हमारे लिए। फजर बहुत दिनों के बाद मिली है मामू से। फजर बहुत हैप्पी हुई है भाई, इनके घर में आज मेहमान आए। और ये एबी जो है वो आए रीमा के कमरे में भाई, अच्छी सेटिंग हो गई, सारा उसका फर्नीचर सेट हो गया। और ये हनी साहब की तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ये रीमा जो है ना मेहमानों की आने की खुशी में तैयार हो रही है। देखें जैसे नया जोड़ा पहना है और मेकअप किया है। हटा हटा लग जाएगी, अच्छे भी तो दिखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और हम लोग बस इस सोच में पड़े हैं रीमा ने खाना क्या बनाया। बस वो मैं नहीं बता रही, खुशबू तो अच्छी अच्छी आ रही है, अब खाएंगे तो फिर बताएंगे। बस रीमा को हमने बना लिया था ताकि जब अच्छा गैस हम लोग की भी चली जाती है, सबको ही पता। लेकिन अब हर जगह का ये हाल है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से पता नहीं कितने लोगों की जाती है। हाँ, इरम दास दुख भरी कहानी ये सुनाएगी अभी आपको। आज हम सुबह उठे तो हमारी गैस नहीं थी और फिर हम लोगों ने आज नाश्ता बाहर से किया था। वैसे दिल दिल में कुछ भी होगी, पराठे नहीं बनाने पड़े। नहीं ऐसी बात नहीं, नाश्ता में नंद बनाती है, लेकिन नाश्ता आज हम लोगों ने बहुत लेट किया था और गैस नहीं थी। बहुत दुख हुआ, न्यू ईयर वाले दिन हमारी गैस मैंने इसलिए जल्दी खाना बनाया क्योंकि इनके शाम को गैस चली जाती है। दावत लगा और अब दावत मेरे व्लॉग में छुपता रहेगा क्योंकि मामी मुझे ना ले ले, हम दोनों को भूख लग रही है। ये बाजी लोग आ गए हैं। ये तनवीर भाई को जरा मैं जूम करके ले रही हूँ अपने व्लॉग में क्योंकि जब भाई वापस चले जाएंगे ना तो फिर मेरे व्लॉग में देखकर ही हम इनको याद करेंगे। और ये बाजी बहुत प्यारी लग रही है और आजकल इनके शादियों में ये बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छी जी वीडियो बनाई ऐसे बंदे जिनको मैं जबरदस्ती अपने व्लॉग में वो देखते और बोलेंगे बस ठीक है, मैं बोलती नई नई वीडियो में आओ। भैया रीमा क्या लेकर आई है हमारे लिए? वेरी वेरी यमी लग रहा है वैसे, डिलीशियस सूप रीमा ने बनाया है। रीमा थैंक यू भाई, सर्दी का मौसम है तो रीमा ने ये सोचा है। हाँ हाँ अच्छी लग रही है। ये इरम देखो अपनी तैयारी बच्चों को दिखा रही है और बाजी तो बहुत ही प्यारी लग रही है, ये पुरानी वाली बाजी। हाँ
भाई आए हुए दुबई से, इसलिए बाजी पुरानी वाली आ गई। बाकी जो और खाना बनाया वो भी आपको जरूर दिखाएंगे, आप देखकर कर इमेजिन कर सकते हैं कितना मजा आ रहा है। ठीक है अम्मी, कैसा है सूप? बहुत मजे का है भाई। जाइन कर रहे हैं फोन पे बात, पापा के मोबाइल की डिवाइस का जाइन ने फोन बनाया है, तो दादू से घर पे बात कर रहे हैं। यस, तभी हम खाने लगे हैं खाना। रीमा क्या क्या बनाया तुमने? आपके लिए सरप्राइज है, खाने पे पता चलेगा। यहाँ मेल पार्टी का खाना चल रहा है। और यहाँ मैं अपने तूफान को उठाकर चल फिर रही हूँ, क्योंकि इसके पापा खाना खा रहे हैं, वो खाना खा लेंगे तो फिर हम खाना खाएंगे। ये रीमा ने बनाया भाई खाना, बिरयानी बनाई है, स्पैगेटीज बनाए हैं, चिकन कढ़ाई बनाई है, और खाना तो बहुत मज़े का लग रहा है। अब मैं खाऊंगी तो बताऊंगी कैसा है। यस, हमने खाना खा लिया है और चाय भी पी ली है। रीमा ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया था और रीमा के दोनों नंदों ने भी भाई उसकी बहुत हेल्प की है। और जब से हम आए हैं नेहा और शीना तो खड़ी हुई हैं, बहुत थक गई होगी। मैंने इनको सजेस्ट किया जब हम लोग जाएंगे ना तो फिर मेडिसिन लेके सो जाना। और ये मेरे चुन्नू ने मेरे को बहुत तंग किया है। खाना भी इन लोगों ने बहुत मज़े का बनाया, हमने बहुत मज़े से खाया और अब हम घर जाएंगे। हमारे बच्चों ने बहुत तंग किया है और इनके जो डॉलर और दूसरी का क्या नाम है निकी, इनके डॉलर और निकी ने हमारे कान दर्द कर दिया, दूसरा हमारे बच्चों ने। यस, तो खाना खाकर सारे फील हो गए, थोड़ा सा फोटो शूट चल रहा है न्यू ईयर का। ये गहमा गहमी से आपको अंदाजा हो सकता है, शहरी भी आ गए आप। जाहिद हंस रहे हैं, वो देखते थे मोबाइल में मसरूफ है, वो देखते छोटी चेयर पे वो सीमेंट के बैठ गए, बच्चे सारे अपने कामों में मसरूफ है। बस हम बाकी का व्लॉग अब घर जाकर एंड करेंगे, क्योंकि बस हम निकल रहे हैं 11:30 हो गए। मेरी बेटी रायना ये आ गई है व्लॉग में, ये बोलती मामी मुझे भी व्लॉग में लो। अब रायना हेलो करेगी, हेलो रायना। हाँ बस आ गए घर पे आकर, कोई मजा नहीं आ रहा, खेल ही रहे हो बस। इसको बहुत शौक है चैनल बनाने का, तो इन फ्यूचर रायना भी बनाएगी भाई अपना चैनल। यस, तो हम आए हैं रीमा के घर पे, आप सबको पता ही है, तो ये रीमा फ्री हुई है सारे कामों से, तो हमने सोचा रीमा के साथ थोड़ी वीडियो बना ले, सबको पता है। हम रीमा के लिए गिफ्ट भी लेकर आए, बहुत अच्छे हमने इरम रीमा बाजी के लिए कपड़े लिए थे, और ये फजर है, और फजर के लिए हमने केक लिया है, पूरा केक फजर खाएगी क्योंकि फजर को मीठा बहुत पसंद है। अब ये देखो, और ये देखो, अब ये देखो, इनके घर इतने डॉग, अब एक और डॉग दिखाता हूं आपको। किसे टाइम आगे देखना, हम रीमा के घर से आ गए हैं और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो बस मैं जल्दी से व्लॉग का एंड करूंगी। और जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल और हमारे साथ बने रहे, ताकि आपको हमारी आगे की वीडियोस भी सारी मिल सकें। जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपके पास आए, तो सब्सक्राइब के साथ आप बेल का आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियोज आए। थैंक यू, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।